मैं एडवोकेट उमर अल्ताफ सती तब तक इस औरत का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले तो ये वकील टिकटॉकर आयशा अकरम को इंसाफ दिलवाना चाहता था, लेकिन ये अब उसके खिलाफ हो गया है, वजह आप खुद सुन लें। अच्छा, ये चुनते भी ऐसी जगह हैं और चुनते भी ऐसे दिन हैं कि जिनमें सबसे ज्यादा इनकी ये पब्लिसिटी स्टंट चले और पाकिस्तान के खिलाफ लोग ज्यादा बात करें, उसका नतीजा क्या हुआ? फिर इकरारुल हसन जैसे सहाफी उठ के कहते हैं कि माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान में बेटी होना जुर्म है, मतलब मैं शुक्र करता हूं कि मेरी पाकिस्तान में बेटी नहीं, मतलब ऐसी बातें कि जिससे आपकी रियासत का, आपकी सकाफत का, आपकी तहजीब उठाया जाए। आप ऐसे काम करते हैं, ठीक है, लड़की SHO को मिली, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिली और उसने कहा कि मैं मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहती, आप केस का एक रुपया नहीं लेंगे, लेकिन इसके इंसाफ के लिए तगोदो करेंगे। ये मेरा फर्स्ट ट्वीट था जब मैंने ये वीडियो देखी, लेकिन जब मैंने वो बयान देखा तो मतलब आग बगोला हो गया मैं, कि मतलब इतना बड़ा ड्रामा किया गया सिर्फ और सिर्फ अपने मकासिद जो है उनको हासिल करने के लिए और ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।